बॉलीवुड के 10 शर्मनाक टीवी एड्स जिन्होंने धर्म का मजाक उड़ाया। नंबर 1 सिप्ला। अब ये देखकर कोई कह सकता है कि प्रियंका चोपड़ा को 5 साल की उम्र में अस्थमा है, पर ये देखिए, ये वही एड है जिसमें प्रियंका चोपड़ा पटाखे ना फोड़ने का सुझाव दे रही है। चलिए हम प्रियंका जी की बात मान भी लेते हैं, लेकिन प्रियंका जी अपनी खुद की बात मान लें तो बड़ी बात है। प्रियंका और निक ने राजस्थान के महल में शादी क्या की, इन्होंने आतिशबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसे देखकर लोगों ने भी मीन्स नामक पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। लोग ट्विटर पर प्रियंका से सवाल पूछने लगे कि मैडम जी कहां गए अस्थमा पर दिवाली के पटाखे ना जलाने वाली वो वीडियोस जिनमें आप एकदम खुलेआम कहती थी पटाखे मत जलाओ। विराट कोहली ने भी एक वीडियो में कहा था कि मैं आपको टिप्स देता हूँ कि मीनिंगफुल दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जिस पर लोगों ने भड़कते हुए कहा कि हमें हमारे त्योहार कैसे सेलिब्रेट करना है ये हम अच्छे से जानते हैं। पर जब आमिर खान ने भी एक एड में कहा कि रास्ता गाड़ी चलाने के लिए ना कि पटाखे फोड़ने के लिए, तब भी लोगों ने उल्टे मुंह जवाब देते हुए कहा कि फिर तो रास्ता नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं होता, क्यों निकल आते हो नमाज पढ़ने के लिए। नंबर 2 मान्यवर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, पर कितना परिवर्तन ये तो आलिया ही जवाब दे सकती हैं। आलिया के सवालों में भारतीय समाज का आईना है, पर लोगों का कहना है कि मान्यवर ने एड में कन्यादान को भीख दिखा दिया, जबकि असल में कन्यादान का मतलब एक पिता का अपने सबसे मूल्यवान हिस्से को किसी और को सौंपना होता है, इसीलिए इस दान का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। और माना कि बदलते वक्त के साथ शायद हमें ये रीति बदलनी चाहिए, लेकिन दुनिया के सबसे पौराणिक धर्म में गलतियां निकालने वाले क्यों भूल जाते हैं कि दूसरे धर्म में भी बदलाव की उम्मीद है। लोग जानना चाहते हैं कि क्या जब एक क्रिश्चियन पिता अपनी बेटी को दूल्हे के पास लाकर उसे दूल्हे को सौंपता है तो वो कन्यादान नहीं या फिर निकाह जिसमें मेहर दी जाती है, जिसे लोग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखते हैं, क्या वो सही है? अगर ऐसे देखा जाए तो भाई हर धर्म गलत होगा। पर लोगों को गुमराह करने का सारा दोष एड्स का नहीं है। इनसे ब्रेन वॉश होने से बचने के लिए हमें अपने रीति रिवाज को समझना होगा और आने वाली पीढ़ी को भी समझाना होगा। नंबर 3 बर्गर किंग। इस स्पेनिश बर्गर किंग ने सारी हदें पार करते हुए अपनी भगवान यानी कि माँ लक्ष्मी जी का इंसल्ट कर दिया, वो भी नॉन वेज बर्गर का प्रसाद चढ़ा के, और ऊपर से लिखा ऐसा खाना यूं पवित्र। जी हाँ, जब ये बात अमेरिका के हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को पता चली तो उन्होंने बर्गर किंग को लेटर भेजकर तुरंत उसे हटाने के लिए बोला और इस मुद्दे पर लीगल काउंसिल को भी लेटर भेज दिया। अब मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि ये ब्रांड्स की एक मार्केटिंग टेक्निक होती है और वो जानबूझ करके ऐसे सस्ते रिलीजियस मुद्दों को उठा के मार्केटिंग करते हैं ताकि बाद में पब्लिसिटी के जरिए इनका ब्रांड पॉपुलर हो जाए। पर ऐसा ही कुछ इंडिया में देखने को मिला जब जोमेटो ने ऋतिक रोशन को लेके एक एड बनाई थी, लेकिन महाकाल का जिक्र होने की एक गलती कर दी और फिर क्या, उज्जैन के पुजारी भड़क गए और उन्होंने जोमेटो से तुरंत एड हटाने की मांग कर दी। नंबर 4 मीट एंड लाइव स्टॉक ऑस्ट्रेलिया। एक एड की कीमत तुम क्या जानो ऑडियंस बाबू, कई धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। एक टेबल पर जीसस, गणेश और बुद्धा लैम्ब यानी कि मेमने का मांस खाते हुए दिखाए गए, और तो और प्रॉफिट मोहम्मद की छवि ना होने के कारण उनका एक फोन कॉल के द्वारा मजाक उड़ाया गया। इस एड को ऑस्ट्रेलिया के लैंड डे को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जब लोगों ने इसका विरोध किया तो इस एड की चीफ क्रिएटिव ऑफिसर ने बयान देते हुए कहा कि यही तो इस एड की खासियत है कि हर धर्म के लोग इस मांस को खा सकते हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2016 में भी लैंड डे पर जो एड बनाई गई थी उसके खिलाफ तो लोगों ने 300 कंप्लेंट्स दर्ज कर दी थी। अब आप मांस ना खाने के कारण भी लोगों का डिनर जला दो तो कंप्लेंट तो होगी ही ना। नंबर 5 पतंजलि। चाहे गोरे करने वाली क्रीम हो या फिर दूसरी कंपनीज के साबुन को बुरा बताना हो, पतंजलि आज इन कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा बनती आ रही है, लेकिन उनकी एक एड से क्रिश्चियन कम्युनिटी को काफी ज्यादा बुरा लगा था। यही वो ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो था जिसे देखकर सेंट फ्रांसिस ने भी कहा था कि पतंजलि को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ताज्जुब की बात तो ये है कि बाबा रामदेव ने ना सिर्फ दिखाया लेकिन मुस्लिम लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई, और सिख गुरुओं की तस्वीर को कदमों के पास रखने की वजह से बाबा जी को जेल तक जाना पड़ा था। और इन विवादों से घिरने के बाद भी बाबा ने पतंजलि को 9,000 करोड़ तक तो पहुंचा ही दिया है और आगे तो ले ही जा रहे हैं। नंबर 6 फ्लिपकार्ट। गोरखा कमेटी की आन बान शान यानी कि उनकी लकड़ी और भरवादार टोपी, इन्हीं चीजों को दिखा के जब फ्लिपकार्ट ने एड बनाई तो सारी नेपाली जनता भावुक हो गई, क्योंकि इस एड में उनके एक्सेंट को गंदे तरीके से बोलकर उसका मजाक बनाया गया था। गोरखा हमेशा चौकीदारी करते हैं और इस स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल किया गया था, पर ये एड जब टेलीकास्ट हुई तब गोरखा यूथ एंड स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दाखिल करते हुए कहा कि ये एड जातिवादी है और इस एड में हमारी कम्युनिटी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कोका कोला की एड में आमिर खान गोरखा बनते हुए नजर आए थे जिसे गोरखा कमेटी ने नापसंद किया था। नंबर 7 स्विगी। एक हिंदू होने से अंडा
अंडा, ऑमलेट, सनी झाड़ा, शेड और किसी के सर पर नोट चेक। हैशटैग बुरा मत खेलो, क्योंकि स्विगी के हिसाब से अंडे को ब्रह्मा की उपाधि देने वाले हिंदू अंडे से होली खेलकर उन्हें बर्बाद करते हैं। इन बातों ने ट्विटर वर्ल्ड वॉर चला दिया, तो किसी ने स्विगी अनइंस्टॉल कर दिया। तो स्विगी से सवाल किया गया, क्रिसमस में पेड़ बचाओ और ईद में बकरा बचाओ, नहीं तो हिंदुओं को ज्ञान क्यों? और वो 7 मार्च 2023 को ये एड आखिरी बार दिखी, पर अंडे दवंडे भारत मेट्रो मनी ने होली और विमेंस डे के मौके पर लड़कियां बचाने की एड बना दी, ये कहकर कि हर साल हजारों लड़कियां शोषण के चलते होली खेलना छोड़ देती हैं। पर हालांकि इसमें सच्चाई है, बुरा न मानो होली है कहकर 2018 में लड़कियों के सीमेंस में बलून्स डाल दिए गए थे, पर विमेन डे के मैसेज और होली की बधाइयां अलग से दी जा सकती थी। होली का त्योहार अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। नंबर 8, फैब इंडिया की एड में पहली बार सास बहू का प्यार दिखाया गया, लेकिन ट्विटर पर लोगों को दिखा मुस्लिम सास और हिंदू बहू और हो गया जैसे लव जिहाद वाला मामला, जिसने फैब इंडिया को एड वापस लेने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि जहां एक तरफ एड को सपोर्ट मिला, वहीं बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने कहा कि ऐसी एड से बचने की जरूरत है, पर कहीं लव जिहाद तो कहीं फैब इंडिया का बखेड़ा। और ये कॉन्ट्रोवर्सी सिर्फ एक शब्द से शुरू हुआ और फैशन विवाद, जिसके चलते फैब इंडिया ने रेगुलर कस्टमर खोए और लोगों ने प्रिंट किया #boycottfabindia। कईयों ने तो ये एड देकर ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि हिंदू त्योहार उर्दू में आखिर क्यों बिना बिंदी के मॉडल दिखाकर इसे दिवाली बताया। इस ट्रोलिंग से बचने के लिए फैब ने लोगों को दिवाली कलेक्शन लॉन्च करने का झांसा दिया, पर ये पकड़े गए और लोग बोले अगर ये दिवाली नहीं तो लाइट दिया और रंगोली क्यों। नंबर 9, डाबर के खिलाफ जब उन्होंने एक एड में कपल को लेस्बियन दिखा दिया था, और वैसे भी इंडिया के अंदर 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज के करार को ठुकरा दिया था, पर फिर भी डाबर ने इस विषय पर रोशनी डाली और करवा चौथ के मौके पर एड बना डाली, जिसकी वजह से लोगों ने इस एड पर बैन लगाने की मांग कर डाली। और फिर क्या, डाबर को एड हटवाना ही पड़ा। इनफैक्ट जब पहली बार 1996 में होमोसेक्सुअलिटी के टॉपिक पर एक मूवी आई थी, तब भी देश भर में उसके पोस्टर्स जलाए गए थे। वहीं आज की डेट में स्टारबक्स द्वारा बनाई गई क्रॉस जेंडर की एड को भी बॉयकॉट किया जा रहा है। तो मानो ये सब कुछ चंद मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ही किया जाता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए।